एवरीवन, जैसे स्वागत करते हैं आपका। तो आप कैसे होंगे? अच्छे हैं तो बस अच्छे रहिए। तो फिर आ गए हैं फिर से। तो मैं बोला था आपको मेरा रेगुलर ब्लॉग्स आएगा अप्रैल 2 से। सो आज अप्रैल 3 है, कल एग्ज़ाम था, तो अच्छे से गया है सबका। आपका भी अच्छे से गया होगा। तो आज अप्रैल 3 है, तो आज से ब्लॉग बनना है, शुरू हो गया। तो रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अभी सुबह के बजे 7:20 हुआ है, तो मेरा आज सुबह का जो काम होता है मेरा वो करना है। पहले डस्टबिन फेंकना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने के बाद फिर से सो जाना है। तो मैं वर्कआउट करने के टाइम वीडियो बनाते हैं। अभी जस्ट स्ट्रेचिंग फिचिंग हो गया रूम वर्क का, घर में जो करना था मेरे को वर्कआउट वाला खत्म हो गया अभी। तो अभी कुछ काम वाम मेरा है नहीं, जाके अभी सोने में, सोने के बाद फिर उठेंगे 10 या 11 बजे, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करना है मेरे को, क्या क्या करता हूँ मैं घर पे क्या नहीं। सुबह का जो वर्कआउट है आज थोड़ा हैवी था, और अभी क्रंचेस व्रंचेस मारे, पुशअप पुशअप मारे, तभी देखेंगे तो सो जाएंगे। अभी हम सोने के बाद 11-12 बजे उठेंगे, फिर लंच वंच बनाएंगे। तो अभी मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी उठ रहा हूँ। तो सुबह के मतलब आज के सुबह मतलब क्या चल रहा है मेरा, सुबह 7 बजे उठा, फिर घर का सब काम फाम कर दिया। काम करने के बाद फिर वर्कआउट थोड़ा किया, आधा घंटा किया, फिर सो गया 8 बजे। सो के फिर उठा मैं सुबह के 10 बजे, सॉरी 10:30 बजे उठा हूँ। तो अभी नाश्ता के लिए थोड़ा सा पराठा बनाना है के लिए, उसके लिए मेरा आटा रेडी है, 2 पराठा बनाना है बस। बनाने के बाद फिर आज संडे है, संडे हमारे घर में कुछ तो बनता है, नॉन वेज आइटम में खास करके। तो नॉन वेज में क्या बनता है आज का? आई थिंक आज मछली बनेगा, कल गए मछली लाने के लिए। तो बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, उड़िया में। तो मैं सब दोस्त बोल रहे थे कि तो उड़िया में ब्लॉग बना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सब उड़ीसा ही लोग देखेंगे, उड़िया लोग क्या है। मैं चाहता हूँ पूरा मतलब इंडिया भी देखेगा कि उड़ीसा क्या है, कैसा है, क्या नहीं। और भुवनेश्वर में मैं रहता हूँ, तो भुवनेश्वर में सबसे अच्छा चीज़ है, उठो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे जगह है, प्लेनेटोरियम है, म्यूजियम है, बहुत कुछ जगह है, बहुत सारे मॉल्स हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम घूमेंगे, आपको दिखाएंगे। आप सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, और मैं कैमरे के सामने कभी इतना बोला नहीं हूँ आज तक, मैं फर्स्ट टाइम इतना बोल रहा हूँ। जस्ट होप दैट यू विल फील कंफर्टेबल बेटर। तो अभी बजे 10:30 बजे हैं, कुछ पराठा वराठा बनाना है। और कमेंट मेरे को मेरे को ये बताओ, भुवनेश्वर में जो भी भुवनेश्वर में तू देख रहे हैं, ये बताओ भुवनेश्वर में कौन कौन से रेस्टोरेंट में स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में बताना आज, ठीक है? इतना छोटा काम तो कर सकते हो ना, मतलब कहीं पे भी जाके स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है के पास में? ठीक है, कोई देखिए और कमेंट करना मेरे को, ठीक है? बाय। तो अभी जस्ट 2 पराठा बना दिया मैंने, अभी अंकल के लिए मैं खाना बना दिया मैंने। अंकल अभी पराठे के साथ आई थिंक दही खा लेंगे, और मैं तो ब्रेकफास्ट करता वरता है नहीं हूँ,
क्योंकि मैं मतलब हैबिट ही नहीं है हॉस्टल से, हैबिट नहीं है मतलब ब्रेकफास्ट करने का। बस अभी सुबह के लिए कुछ खाना बनाया नहीं, ज़्यादा दोपहर में खाएंगे। तो अभी खाना सब बना चुके हैं अंकल, बना दिए खाना आज, बहुत सारा खाना बनाया आज अंकल ने। तो अंकल ने, हम दोनों ने मिलके बनाया, वैसे कुछ बात नहीं है। अच्छा तो अभी अभी टाइम हुआ है कितना, 1:30 बज गया। तो मैं अभी नहा धोना मतलब अभी नहीं है मेरा, खाना खा, लंच ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगा अपने पार्क, इंदिरा गांधी पार्क जिसको आईजी पार्क बोलते हैं भुवनेश्वर में, उधर जाके मैं थोड़ा वार्म अप वार्म करूँगा, दौड़ना करूँगा और कुछ एक्सरसाइजेस भी करूँगा, तो उसका वीडियो भी बनाऊँगा फिर। तो उसके बाद आने के बाद फिर जाके नहाएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर ब्लॉग का एंड करेंगे। ठीक है, स्टे विथ मी एंड बी हैप्पी। जस्ट लंच खत्म हो गया अभी, तो लंच खाने के बाद फिर भी बर्तन साफ कर रहा था, तो साफ करने के बाद अभी कुछ 2:30 बजे हैं, तो 4 बजे जाएंगे आईजी पार्क आज। तो 4 बजे तो मैं फिर से वीडियो ऑन करूँगा, फिर से ब्लॉग बनाऊँगा, तो 4 बजे मिलते हैं आईजी पार्क में। मैं उनको पूरा रूट दिखाऊँगा, कहाँ से कितना तक जाना है, कैसे नहीं, क्या करता हूँ मैं उधर, क्या नहीं। तो जस्ट वेट ओवर दैट एंड 4 बजे मिलते हैं। सो वेलकम बैक पुणे। अभी फिर से अभी 4 बज गए हैं, शाम के 4 बजे, सॉरी 4:30 बजे हैं। तो अभी साइकिल में जाने वाले हैं, तो इधर हमारा साइकिल है, तो अभी जाएंगे आईजी पार्क। आईजी पार्क में थोड़ा दौड़ेंगे, आधा घंटा कार्डियो है, आधे घंटे के बाद फिर उधर जो मटेरियल्स है, जो है मतलब पुशअप के लिए, क्रंचेस के लिए, पुलअप के लिए, बार्स है, तो उसका भी वीडियो बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, आप वीडियो फोटो दिखाऊंगा आपको वो भी। तो अभी जा रहे हैं आईजी पार्क। आईजी पार्क के लिए जाने से अच्छा रूट अभी ये है कि आप ओयूएटी से लेके जो होता है गोपबंधु छकर, वो वाला देख के आप रूट अगर गवर्नर हाउस से लेके जाएंगे तो आपको वही रास्ता सबसे अच्छा है, बेस्ट इन माई ओपिनियन। तो आप कोई से भी रास्ता ले सकते हैं, तो मैं आपको रास्ते का वीडियो दिखाता हूँ। तो अभी गवर्नर हाउस के आसपास में ही है, तो पहुंचने वाला है आई थिंक। हमारा जो रूट अभी जो बताया था आपको, अभी वो रूट आई थिंक 10 मिनट का ही है बाय साइकिल। ओके, तो आपको जो प्रिफर करना है कर सकते हो। तो ये पूरा है साइकिल वे गोइंग टू आईजी पार्क। हाँ, तो भुवनेश्वर में आईजी पार्क को अलग नाम से भी क्या बोलते हैं, लवर्स पॉइंट। सबसे ज्यादा निब्बा निब्बी को देखना है तो जाके वही देख नहीं सकते, वही मिलेंगे सबसे ज्यादा खोपचे में। मतलब कहीं पे जो होता है ना खोपचा, वो छोटे मोटे गली, उधर ही बैठ के लगे रहते हैं कुछ भी। तो हम उधर ही जाएंगे दौड़ने के लिए, और बस मैं अगर आप अगर चाहते हैं कि मैं बोल दूंगा क्या कि किस में जाना बेटर है, तो सबसे ज्यादा बेटर में साइकिल में ही है, साइकिल से जाइए। ओके, क्योंकि आपको मतलब फील करना है, यू हैव टू ट्राई टू फील अबाउट दैट। मतलब जो बाइक से क्या है, बाइक तो मतलब, लेकिन साइकिल से अलग मजा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो मिलते हैं अभी आगे। तो अभी पहुंच गए हैं, तो ये रहा इंदिरा गांधी पार्क, ये पहला गेट है, ये फर्स्ट गेट है, तो हमको सेकंड गेट के अंदर आ जाना, क्योंकि फर्स्ट गेट में पहले तो पास सुन लीजिए, फर्स्ट गेट में कभी भी साइकिल रखने के लिए पार्किंग है नहीं। ठीक है, तो आप प्रिफर करना कि सेकंड गेट से हमें जाने के लिए। और इधर सब न्यूज़ रिपोर्टर का भी
ये इलाका एक्चुअली गवर्नमेंट के अंडर ही है, क्योंकि बोलो क्योंकि यहाँ पे संसद भवन है ना, क्या था असेंबली है, तो दैट्स व्हाई। तो ये सब एक अभी सब न्यूज चैनल सब ओडिशा का न्यूज चैनल है, ठीक है। तो भी हम सेकंड गेट से आने वाले हैं, तो जब सेकंड गेट से अंदर जाऊंगा तभी दिखाऊंगा आपको वीडियो। बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे साइकिल का भी चोरी का भी इठो है, चोरी भी कोई कर सकता है, तो अपना लॉक वॉक सब ठीक ठाक से लेके आ जाना, ठीक है। तो अभी अंदर जाएंगे और 30 मिनट का कार्डियो, कार्डियो के बाद फिर जो करना है करेंगे, बीच में दिखाऊंगा अभी क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी 30 मिनट का कार्डियो खत्म हो गया और पूरा हालत पूरा ढीला है अभी, कुछ कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, बोलने के लिए कुछ, चारों तरफ से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। अभी आईजी पार्क में था, आईजी पार्क में हूँ अभी, तो देख सकते हैं। अरे दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ, और बोल रहा था अभी कि 30 मिनट का कार्डियो था अभी, तो 30 मिनट का कार्डियो के बाद अभी कुछ वो एक्वा स्पेस में जाना है अभी, वो कहाँ होता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उधर का एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद फिर घर जाना है, फिर तो उसके बाद वीडियो अपलोड करना है और कुछ गिफ्ट एडिट करना है फिर, और एक बात बताता हूँ किसी को बोलना है कि जो वीडियो बना रहा हूँ अभी लोगों का अलग ही रिएक्शन आ रहा है, अच्छा है लेकिन। और इधर है इंदिरा गांधी का स्टैचू है, वो बगल में है, वो वाला वो इंदिरा गांधी का स्टैचू है, पीछे है। और भाई मेरा हालत पूरा ढीला है अभी, मतलब पूरा पसीना और कुछ नहीं, लेकिन आईजी पार्क में तो सबसे अच्छा ये चीज़ है कि अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आके मतलब वार्म अप कर रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, मेरे को देख के एक आदमी भी दौड़ रहे हैं, सो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। और कुछ बोलना नहीं है, हवा धुआं निकल रहा है यार, मतलब बता नहीं सकते कहीं के काम, मतलब मतलब जहाँ से भी मतलब धुआं निकल रहा है मेरा, हवा पूरा टाइट है, और जा रहे हैं अभी तो थोड़ा मतलब क्रंचेस मारेंगे, जो होता है ना जो गवर्नमेंट का जो पार्क है सबसे अच्छा चीज़ एक है वो इंस्ट्रूमेंट देता है, इंस्ट्रूमेंट सब पहले से रहता है, तुम जाके सिर्फ उससे मतलब करना है एक्सरसाइज करना है, और करना आना भी सही है। और अगर आपके आसपास में भी कहीं पे भी मतलब है मतलब ऐसा वाला पार्क अगर है, तो आई होप एंड आई विश दैट यू विल गो एंड बी डन सम एक्सरसाइज ऑल्सो, मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर। तो ये रहा वो जगह जहाँ पे हमको करना है एक्सरसाइज, यहाँ पे सब है, डंबल्स है, ये जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो होता है ना यहाँ पे चलने के लिए वो भी है, डंबल्स है, क्रंचेस के लिए भी है, पुल अप बार है, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो
जिसका जो मन है वो कर सकता है यहाँ पे, कुछ मेंटर नहीं है। ठीक है, तो के लिए कुछ ठीक नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट रखा है यहाँ पे। तो हम दिखाएंगे आपको ये अभी पहले ये कर। तो अभी पूरा तावड़ थोड़ा एक्सरसाइज हो गया मेरा अभी, तो होने के बाद अभी कुछ नहीं। अभी हमारा हम कितना एक्सरसाइज का, मैं क्या क्या किया बताता हूँ। 50 पुशअप्स, पहले तो मॉडिफाई 25 और नॉर्मल 25 मारा, फिर क्रंचेस 50, तो पुल अप बार वाला वो वाला क्रंचेस, उसका नाम मुझे याद नहीं है तो खुद जान लीजिए क्या है। पुल अप मारा 10 मेरा, लेकिन मैं इतना मारा था, मेरा अपर बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना मार रहा हूँ। ठीक है, एंड आज का मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया, और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 75 वाला डे वाला हार्ड चैलेंज में अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, सोच रहा हूँ शुरू करने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा अभी मतलब टाइम चाहिए। ठीक है, उसको हो गया अभी शुरू करेंगे, और मेरा प्लान है इस हफ्ते का थोड़ा सा बाहर जाने के लिए, प्लानिटोरियम हुआ या फिर म्यूजियम हुआ, अगर जाऊँ तो वो वाला भी आपको दिखा दूँगा, वी डोंट वरी। एंड अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी घर जाऊँगा फिर नहाना धोना, नहा धो के फिर फ्रेश होना है, फिर कुछ खाएंगे, आज रात को फिर क्या बनाना है वो वाला भी सोचेंगे, बस इतना ही। ठीक है, और स्टे हैप्पी, खुश रहिए, और हाँ पार्क वार्क आइए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा फिट रहिए, मुझे सबको बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आइए। तो अभी आ गया हूँ घर पे, आ गया हूँ अभी, तो आज वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और अभी प्लान कुछ नहीं है मेरा, अभी सिंपल प्लान है, अभी खाना है रात का खाना, आज रोटी है, कुछ पता नहीं क्या खाना है, सर नहीं और खा के बस सजाना है, फिर सुबह उठेंगे, जैसे नया सुबह नया ब्लॉग बनेगा, तो आई थिंक ये वाला ब्लॉग शायद कल सुबह 8 या 9 बजे आ जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा स्टोरी में एंड सब। ठीक है, तो जाइए और एंजॉय कीजिए, हाँ डू वर्कआउट, ओके, एंड होप यू विल, बोलने की जरूरत होगी, पता है आपको क्या करना है। ठीक है, बाय बाय।